शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो टीम सिलेक्ट हुई है उसके मुताबिक सुनने के बाद भी खैरियत से होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हिसाब से तो बैलेंस टीम है और वहाब ने जिस तरह वादा किया था कि वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका देंगे, उनको मौका दिया है। आजमाइशी एक सीरीज होनी चाहिए, ये ना सोचें कि हम 4-1 से हार जाएंगे, 5-0 से हार जाएंगे। अच्छे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को ट्राई करें और अच्छा बैकअप बनाएं, जिस तरह इंडिया ने, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने बनाया। ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, जब हम आपने बैकअप की बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये जो सिलेक्शन है, जैसे मोहम्मद हारिस टीम के साथ ड्रॉप हो गए और उनको मुस्तकबिल कहा जा रहा था एक वक्त में पाकिस्तान का, इस टीम में भी 3 विकेट कीपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने शामिल किए हैं, तो आपको, और फिर आज़म खान की सिलेक्शन भी है, तो ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी होती हैं, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? इमरान, थोड़ा सा मसला सिलेक्टर्स के लिए ये था कि वर्ल्ड कप बहुत करीब है, 5 से 6 माह है, तो अगर किसी को रेस्ट कराते हैं, जैसे हारिस को करवाया और हसीबुल्ला को चांस दिया, मेरे हिसाब से ये डिबेटेबल है। हारिस टीम के साथ चल रहा था, जैसे आपने कहा, उसको मौका एक और मिलना चाहिए था। न्यूजीलैंड में थोड़े ज्यादा मैचेस उसको मिलते, अभी नेशनल T20 में 300+ उसने स्कोर किया, 140 के करीब का उसका स्ट्राइक रेट था, तो उसको नहीं हटाना चाहिए था। अब आपकी सिलेक्शन कमेटी अगर आगे चलती है तो उनको ये देखना होगा कि 50 ओवर्स का कौन अच्छा प्लेयर है। 50 ओवर्स में एक पाकिस्तान कप में सेंचुरी की थी हसीबुल्ला ने, लेकिन नेशनल T20 को उसे सिर्फ 3 ही मैच मिले जिसमें उसने 80-82 रन बनाए, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन हारिस जब चूंकि चल रहा था तो उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है। आजम खान की जो सिलेक्शन है, आजम खान भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, लीग्स में काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसके फिटनेस के ऊपर एक सवाल या निशान था, लेकिन उसने अभी नेशनल T20 में 2-3 मैच बड़े अच्छे फिनिश किए और कराची ब्लूज को टाइटल दिलवाने में उसका बड़ा अहम किरदार था। एक ट्राई करने और उसको, जिस तरह आपने कहा कि उसको फिटनेस के बारे में उसकी बता दिया गया, अक्सर वो स्ट्रगल करता है दूसरा रन लेते हुए, आपको जरूरी नहीं है कि चौके छक्के ही मिलेंगे, लेकिन आपको कभी कभी डबल और ट्रिपल भी लेना पड़ेगा। लुक एट विराट कोहली, किस तरह उसने अपनी फिटनेस पे काम किया, वो भी इसी तरह का चबी था, इतना नहीं था लेकिन चबी था, और उसको लोग चीकू और मोटा कहते थे, लेकिन उसने अपने आप को फिट किया। सबसे ज्यादा दुनिया में डबल रन वही लेता है, तो आजम को भी इस तरफ गौर करना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा हिटर है और अगर वो उसको मौके मिलेंगे तो अच्छा फिनिश भी करेगा और यकीन अपने फिटनेस पे भी काम करेगा। ठीक है शाहिद साहब, इसके साथ एक सवाल ये है, ये खासी बहस रही सिलेक्शन कमेटी में भी और जो दीगर बाइख्तियार लोग हैं, कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ड्रॉप करके कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनके बगैर T20 में आगे बढ़ना चाहते थे, तो आपकी क्या राय है? वाकई हम उस वक्त उस जगह पर हैं कि हमें इनके बगैर आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस वक्त, जबकि वर्ल्ड कप बिल्कुल एंड सर पर है, कुछ जैसे आपने अभी कहा कि वक्त ज़्यादा बाकी नहीं है? नहीं, वर्ल्ड कप के इतने करीब आप अपने आम खिलाड़ियों को रेस्ट नहीं करा सकते, खुसूसन रिजवान और बाबर आजम जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, ठीक है कभी कभी उनका स्ट्राइक रेट मसला बनता है, लेकिन वर्ल्ड कप के इतने करीब आप रेस्ट नहीं करा सकते। ये जो सेलेक्टर्स थे उन लोगों ने मशवरा दिया था कि इस सीरीज में बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट करवाया जाए और यंगस्टर्स ट्राई किए जाएं, लेकिन इतने करीब वर्ल्ड कप के आप ये कर नहीं सकते, बैक फायर करता, जाहिर चेयरमैन भी गैर मुस्तकम है। अगर अभी हम यहाँ 3-0 हारेंगे टेस्ट सीरीज और अगर हम 4-1 या 5-0 हार गए न्यूजीलैंड से, तो ना सिर्फ जका अशरफ अंडर प्रेशर आएंगे बल्कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और जितने भी कोचिंग स्टाफ है बड़ा अंडर प्रेशर आ जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी अंडर प्रेशर आ जाएंगे, उनकी बॉलिंग के ऊपर, उनकी फिटनेस के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो हम ऐसा रिस्क लेने के अभी काबिल नहीं है 5 से 6 महीने वर्ल्ड कप से पहले। एक और सिलेक्शन जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिबेटेबल है वो मोहम्मद नवाज का है। ये भाई अगला सवाल यही था। अजीब पैसिव सब क्रिकेटर है, हालांकि इतना टैलेंटेड है, अभी नेशनल T20 में 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बैटिंग भी करते हैं वो उससे ज्यादा बेहतर नजर आए। दानिश अजीज 191 रन, 14 विकेटें, मोहम्मद नवाज 191 रन, 5 विकेटें, इसी तरह कामरान गुलाम डोमेस्टिक क्रिकेट का बेहतरीन परफॉर्मर है, नंबर 2 था इस बैटिंग चार्ट में नेशनल T20 पर, वो बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डर भी अच्छा है, तो नाउ वी मस्ट लुक बियॉन्ड मोहम्मद नवाज। अच्छा एक ये बताएगा कि जैसे चीफ सिलेक्टर ने कहा शादाब का, जब उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जब हारिस की बात होती है तो कहते हैं तू टेस्ट खेल, वो भी तो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट ही है। बद्यांती तो मैं नहीं कहूंगा, ना इंसाफी है कि हारिस हो के अच्छा वाइट बॉल का बॉलर है, उसको अभी सिर्फ उसने 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं,
आप अपने फर्स्ट क्लास से जो अच्छे बॉलर्स हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जैसे खुर्रम शहजाद है 160 प्लस उसकी विकेट थी, उसको आपको नजर आया कि उसने अच्छी बॉलिंग की, अगर उसको रेगुलर चांस मिलेंगे, आमिर जमाल को रेगुलर चांस मिलेंगे, इसी तरह समीन गुल है, 160-170 के करीब विकेट्स हैं, इतना एज भी नहीं है उसकी, तो जिन्होंने फर्स्ट क्लास ज्यादा खेली हुई है उनको रेड बॉल पे रखें, जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेली है उनको व्हाइट बॉल में रखें, और हारिस रऊफ इज एन आउट एंड आउट व्हाइट बॉल बॉलर, उसको वनडे और T20 का हिस्सा रखें, अब वो टाइम आ गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप देखें, लेकिन पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि चेयरमैन बदल जाएंगे तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बदल जाएगी, सारी सिलेक्शन कमेटी बदल जाएगी, कप्तान बदल जाएंगे, तो पाकिस्तान में इसीलिए कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती और हम व्हाइट बॉल और रेड बॉल के प्लेयर अलग नहीं कर सकते। लुक एट इंडिया, अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका को जिस तरह डिमोलिश किया है 116 रन पर, और कोई भी उनका अहम मेन बॉलर नहीं था जो वर्ल्ड कप में खेला था। बिल्कुल आपने जरूर कहा शाहिद साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी शाहिद साहब। देखें जो टीम बनाने की, जैसे शाहिद साहब ना कि इंडिया ने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहला उनका वनडे था वो 116 रन उन्होंने बनाए और उसके ऊपर अर्शदीप ने और अवेश खान ने विकटें ली और अपनी टीम की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। देखें यहीं पर नवाज़ की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर भी सवालिया निशान ज़रूर रहेगा, जैसे अभी शायद हाशमी साहब जिक्र कर रहे थे ना कि डिबेटेबल हैं कि आप क्यों उन खिलाड़ियों पर, जब जिसका आपको मतलब लाइकिंग में कोई एक वजह होती है ना, आपकी पसंदीदगी की वजह क्या कारकर्दगी है या कुछ और है, अगर आपकी पसंदीदगी की वजह कारकर्दगी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और वजह से पसंद करते हैं या जाती आपकी आपको जाती तौर पर पसंद है तो आपकी जाती पसंद तो टीम की पसंद के ऊपर नहीं आनी चाहिए ना, टीम की जरूरत के मुताबिक के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। नवाज की कारकर्दगी अगर आप देखते हैं तो वहां पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको नजर आता है कि वो उतने ज्यादा अच्छे गेंद नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जैसे आमिर जमाल को मौका मिला है, अब्बास को मौका मिला है, ठीक है, हसीबुल्ला को मौका मिला है, ये अच्छी सिलेक्शंस हैं। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने भी पिक किया। शहजाद को क्या ऐड नहीं करना चाहिए था इसमें? देखिए वो बुनियादी तौर पर टेस्ट मैच के बॉलर हैं, जैसे अभी शायद आशमी साहब जिक्र कर रहे ना थे कि जो आपको अपने फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर्स का ये तायुन करना पड़ेगा, इसका फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये व्हाइट बॉल, जैसे हारिस रऊफ हैं उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से माजरत की, इसी तरीके से खुर्रम शहजाद जो हैं वो लंबी बॉलिंग करते हैं, अगर आप उनको बचा कर रखें, उनकी एनर्जी को उनका बेहतर इस्तेमाल करें, उनको टेस्ट मैचेस खिलाते चले जाएं तो वो बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह नसीम शाह की अदम मौजूदगी में एक नए बॉल के बॉलर की पाकिस्तान को कमी महसूस हो रही थी, वो नसीम शाह का मुतबादल तो नहीं है लेकिन वो किसी हद तक उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये खुर्रम के बारे में ये कहना जरा कबल इस वक्त है कि आप उनको T20 टीम में भी शामिल कर लें, लेकिन वसीम जूनियर इनको भी अगर मौका मिलता है तो इनको अपनी कारकर्दगी का इजहार करना पड़ेगा, सलाहियतों का इजहार करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त टीम के साथ रहें, हारिस को देखें और प्लेयर्स को मौका भरपूर तरीके से मिलना चाहिए। मोहम्मद हारिस के हवाले से अभी तक वो एमर्जिंग एशिया कप हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, और आज आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचेस के लिए टीम का ऐलान किया, तो मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये जो सिलेक्शन की पॉलिसी है इसको भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। हर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट की बात तो ज़रूर होती है लेकिन फिर वहाँ पर भी फिर आप ये अगर सिर्फ यही पैमाना है तो बाकी भी लोग फिर आवाज़ बुलंद करते हैं कि फलाने अच्छे किए हैं, फलाने अच्छा किया है, फलाने अच्छा किया है, उसको भी मुंतखब किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं जिन पर एक तफसीली गुफ्तगू और गौर व खौज होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट में आने वाले दिनों में बेहतरी आ सके।